और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है नालंदा से। आपको बताएं कि नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कैनरा बैंक से 40 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने सोहसराय की शाखा से 40 लाख रुपए लूट लिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हथियारों से लैस तीन लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस लुटेरों की तलाश में छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। जानकारी के मुताबिक खबर मिल रही है कि कैनरा बैंक से 40 लाख रुपए की लूट की खबर मिल रही है। नालंदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 40 लाख रुपए की लूट हुई है। कैनरा बैंक से ये लूट की गई है, यानी कि कैनरा बैंक से 40 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने सोहसराय की शाखा से 40 लाख रुपए लूट लिए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा। दीपक, जानना चाहेंगे 40 लाख रुपए की लूट हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए ललिता, ऐसा है कि ये सोहसराय जो बैंक की शाखा कैनरा बैंक, जैसे ही बैंक खुली, तीन लुटेरे हथियारों से लैस होकर बैंक के भीतर दाखिल हुए और बैंक के जो कर्मी हैं और जो कैशियर थी ललिता, उनको बंधक बना लिया हथियारों की नोक पर। और बंधक बनाने के बाद जो बैंक का लॉकर है उसे खुलवाया और उसमें रखे 42,75,000 रुपए बैग में रखकर बड़े ही आराम से वहां से निकल गए। और मैं आपको बता दूं कि इन लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क थे उसे भी अपने साथ लेकर चले गए। और मैं आपको एक बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन इसी बीच हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सामने जो मिल पा रही है, आपको खबर बताते हैं कि ये तस्वीरें आप देखिए, कैनरा बैंक की ये तस्वीरें हैं। तो नालंदा की ये तस्वीर है कैनरा बैंक की, जहां से 40 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने सोहसराय की शाखा से 40 लाख रुपए लूट लिए हैं। ये वो लॉकर है जहां पर लूट की गई है। ये बैंक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम नालंदा की, जहां पर 40 लाख रुपए की लूट हुई है। जी पुरवैया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं कैनरा बैंक की, सोहसराय शाखा की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से उसके बाद वहां पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे बैंक के आसपास जो है, और लोगों का जमावड़ा भी वहां पर लग गया है। दीपक, जानना चाहेंगे कि ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका लग रहा है, आखिर कैसे जो अपराधी है वो अंदर एंटर किए? देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बिल्कुल बहुत शहर का सबसे व्यस्तम इलाका माना जाता है। और यहाँ पे कई ऐसे मार्केट हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ की व्यापारियों का करोड़ों का व्यापार प्रतिदिन होता है। और उसके बाद ये लुटेरे आराम से बैंक के अंदर दाखिल हुए और बड़े ही आराम से वो बैंक से रुपए लेकर बाइक से फरार हो गए। जबकि पुलिस के द्वारा गश्ती कराई जाती है बैंकों के नजदीक और एहतियात के तौर पे जो है चौक चौराहों पे चेकिंग लगाई जाती है। और एक और बड़ी बात यह है कि आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा आने वाले हैं, तो ऐसे में जो यहाँ की जो पुलिस की व्यवस्था है बिल्कुल ही कहा जाए नाकाम साबित हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि लेकर तीन लुटेरे बड़े ही आराम से यहाँ से फरार हो गया है ललिता। दीपक, जानना चाहेंगे कि जिस वक्त अपराधी अंदर घुसे थे, क्या उस वक्त वहाँ पर गार्ड मौजूद थे? देखिए ऐसा है कि गार्ड भी वहाँ मौजूद था, वो सारे कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन जो बैंक कर्मी है ललिता, जो कैशियर है वहाँ की, उनका कहना है कि भीतर दाखिल होने के बाद सारे लोगों को उसने बंधक बना लिया और उनकी पिटाई भी करी। और उसके बाद जो बैंक का लॉकर है उसको खुलवा कर उसमें रखे गए रखे हुए तकरीबन 42,75,000 रुपए लेकर वे लोग फरार हुए हैं ललिता। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे दीपक आपका। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम नालंदा की, जहां पर कैनरा बैंक से 40 लाख रुपए की लूट हुई है। अपराधियों ने सोहसराय की शाखा से 40 लाख रुपए लूट लिए हैं। तीन लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है।